रोजगार कहां से आएगा? रोजगार अगर आप सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन करोगे, एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करोगे, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज के जाल बिछाओगे, रोजगार वहां से आएगा। करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है और रिस्पेक्टेबल रोजगार मिल सकता है। दूसरी बात, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया गया है, और कोई शब्द ही नहीं है, डिस्ट्रॉय किया गया है, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन और कोविड के समय जो किया, वो दूसरे लोग हैं जो रोजगार दे सकते हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे वो नाम बता दीजिए जो छोटी कंपनी चलाता हो, स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री चलाता हो, जो आज लाखों करोड़ का मालिक हो गया है, नाम बता दो मुझे। आप ये होंडा गाड़ी चलाते हैं, इसका मालिक मैकेनिक था। ये टोयोटा गाड़ी चलाते हैं, इसका मालिक मैकेनिक था। आप मुझे मैकेनिक का नाम दे दो जो इस देश में बड़ा उद्योगपति बन गया है, बताओ। नहीं है। तो जो रोजगार दे सकते हैं, जो सपने पूरे कर सकते हैं, उनको उनकी हत्या हो रही है। तो रोडमैप क्या है? रोडमैप यह है कि जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की बेस है हिंदुस्तान की, उसको प्रोटेक्ट करा जाए, उनको फाइनेंस दिया जाए, और ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, इनको टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसफॉर्म करके इनमें से 5-10% को बड़े बिजनेसेस बना जाए। ये दूसरा रोडमैप है। तीसरा रोडमैप है कि हमारा जो शिक्षा का सिस्टम है, ये सिर्फ 5 चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब 5 रास्ते दिखा रहा है। इस देश में लाखों रास्ते हैं। जिस दिन ये देश स्किल्स की रिस्पेक्ट करना शुरू कर जाए, उस दिन ये देश सच्चा सुपर पावर बन जाएगा। उस दिन तक ये सब खोखला है। इस देश में स्किल्स जो होती हैं, चाहे वो बढ़ई की हो, चाहे वो मैकेनिक की हो, किसी की भी हो, चाहे वो किसान की हो, उसको उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, उसका मजाक उड़ाते हैं, देखो ये क्या कर रहा है। जिस दिन वो हो जाएगा, उस दिन ये देश चाइना का मुकाबला कर जाएगा, और यहां पे मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया सब जगह दिखना शुरू हो जाएगा।